अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, होप सो यू वुड बी फाइन। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वी विल डिस्कस इट्स शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन इन अनदर वीडियो वी विल डिस्कस इट्स लॉन्ग क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म प्रॉब्लम। इसमें हमने ये बताना है कि प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मैटर आ जाता है जिसको सॉल्व करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो उस चीज़ को हम प्रॉब्लम कहते हैं। अब जिस तरह कंप्यूटर में एग्जांपल में देती हूँ कि अगर हमारे पास 29 नंबर्स हमें दे दिए जाएं और कहा जाए कि इसमें से आप बताएं कि इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है, ठीक है। अब वो वैसे तो हम उन नंबर्स को देख के बता सकते हैं, लेकिन हमने उसको अगर कंप्यूटर के थ्रू बताना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा या प्रोग्राम डिवेलप करना पड़ेगा इस तरह से। तो प्रोग्राम्स भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिवेलप करने सीखेंगे, तो इसलिए इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि हमारे पास जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा टारगेट है, जिस तरह मैंने आपको नंबर्स की एग्जांपल दी कि हमने नंबर्स डिफाइन करने हैं कि कौन से इवन हैं और कौन से ऑड हैं एक सेट ऑफ नंबर्स में से, तो उसके लिए हमें क्या क्या हर्डल्स आ जाती हैं, क्या क्या बैरियर्स आ जाते हैं जो कि हमें हमारा गोल अचीव करने में मुश्किल पेश आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन गोल एंड बैरियर्स। गोल क्या है? गोल वो चीज़ है जो हमने अचीव करनी होती है, लाइक हमने 29 नंबर्स में से इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों अलग करने हैं, तो ये हमारा गोल है, इवन नंबर और ऑड नंबर को अलग करना। बैरियर, बैरियर उस हर्डल को कहते हैं या फिर उस ऑब्स्टेकल को कहते हैं जो कि हमारे गोल को अचीव करने में मसला आता है, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास ये मसला आ सकता है कि हमें इसके लिए लॉजिक नहीं मिल रहा कि हमने इवन नंबर और ऑड नंबर को किस तरह से सेपरेट करना है, ठीक है, तो ये बैरियर है। नेक्स्ट हमने बताने हैं 4 बेसिक स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें पहला स्टेप ये आता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पहले डिफाइन करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद उससे ऑल्टरनेटिव प्लान हम बनाएंगे जो कि हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, उसके बाद हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम अपने रिजल्ट को इवेल्यूएट कर लेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट आया वो करेक्ट है या फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली एक ऐसा ब्रीफ पीस होता है राइटिंग का जो कि हमारी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। अब जिस तरह से अगर हमारे पास 29 नंबर्स गिवन है तो उसमें से हमने बताना है प्राइम नंबर कौन से, तो अगर हम उसमें से सिर्फ सिंपल ये लिख देते हैं कि ये नंबर्स हैं और इनमें से हमें हमारा रिजल्ट चाहिए, तो हमने ये प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं कि इसमें से हमें प्राइम नंबर्स चाहिए और साथ में हम कंडीशन भी लगा देते हैं कि हमें को प्राइम नंबर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स चाहिए, तो ये हमारी कम्प्लीटली प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी और इससे जो स्टेटमेंट बनेगी उसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, गिवन फैक्ट्स और डेटा जिसको हम इनपुट भी कहते हैं, लाइक जिस तरह हमारे पास 29 नंबर्स का सेट है तो वो 29 नंबर्स आ जाएंगे इनपुट में। कैलकुलेशंस प्रोसेसिंग, अब इसमें कैलकुलेशंस हम उस पर ये लगाएंगे कि हम जो हमारे पास जो हमने लॉजिक डिवेलप किया हुआ है वो उस पर लगा लें, लाइक अगर हमने उसमें से इवन या ऑड नंबर फाइंड करने हैं तो हम ये चेक कर लेंगे 2 पे कौन से डिवाइड हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे। उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस होकर डाटा वापस आएगा, इन्फॉर्मेशन वापस आएगी, उसको हम रिजल्ट कहेंगे और वो हमारे पास आउटपुट होगा जो कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक ऐसा फाइनाइट सेट ऑफ अनएम्बिगियस इंस्ट्रक्शंस है जो हम परफॉर्म करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। लाइक इसमें हम स्टेप्स डिफाइन कर देते हैं कि पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम 2 पे नंबर्स को डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली वो इवन नंबर हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो ऑड नंबर है, तो ये हमने एल्गोरिदम डिस्क्राइब कर लिया। फ्लो चार्ट, अब ये जो हमने एल्गोरिदम डिफाइन किया ना, इसको हम अगर पिक्चर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, लाइक हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक डायमंड शेप ले लेते हैं, तो इनके थ्रू जब हम अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास फ्लो चार्ट बन जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रेक्टेंगल शेप इन फ्लो चार्ट।
इसके लिए हम एक अलग वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे कि फ्लो चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रख लें कि रेक्टेंगल शेप जो होती है ये प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट को डिस्क्राइब करती है। फ्लो चार्ट का एक हमने रूल ये जहन में रखना है कि फ्लो चार्ट जो है वो हमारे पास क्लियर होना चाहिए, नीट होना चाहिए और इजी टू फॉलो होना चाहिए। मींस कि उसके स्टेप्स हमारे पास बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होने चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले इनपुट आ रहा है, नेक्स्ट उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोसेस हो रही है और इसके बाद हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है। अब इसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और होप सो दैट यू विल गेट माई पॉइंट्स। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो सून मैं अपलोड कर दूँगी।